आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल का 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो एक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आया है। हमारे 6 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं और 10 स्टूडेंट्स ने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और सबके सब बच्चे जो है वो 75 प्लस मार्क्स लेके एक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में अपने आप को उन्होंने प्लेस किया है। तो इसका जो सारा श्रेय है वो हमारे डेडिकेटेड जो टीम है टीचर्स की उसको जाता है। उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत कराई ताकि वो इस मुकाम तक पहुंच सके। इसके लिए मैं सारे डीएवी आरडब्ल्यू फैमिली को और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमेशा आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आएंगे। कक्षा 10वीं के इस परिणाम का श्रेय स्कूल प्रधानाचार्य बच्चों व उनके अभिभावकों को देना चाहता हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। मुझे ये न्यूज शेयर करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सोशल स्टडीज में हमारी क्लास के 4 बच्चों ने जो है वो 99 मार्क्स लेके स्कूल का और अपने पेरेंट्स का जो नाम है वो बहुत रोशन किया है और इसका सारा श्रेय जो है वो मैं प्रिंसिपल मैम, उनके पेरेंट्स और बच्चों के एफर्ट्स को देना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारी कक्षा 10वीं का परिणाम कल ही आया हुआ है और हमारे विद्यालय परिसर में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे साइंस विषय में 4 बच्चों ने 100 स्कोर किया हुआ है और 16 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है। मैं हिंदी अध्यापिका बहुत ही खुश हुई हूँ अपने इस परिणाम को देखते हुए। बच्चों ने 2-3 बच्चों ने तो 100 में से 100 अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं जो कि इन बच्चों ने हमारे स्कूल को 4 चांद लगा दिए। हम बहुत खुश हैं। हमारी क्लास की एक स्टूडेंट मोनिका ने मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लेकर स्कूल का ही नहीं बल्कि पेरेंट्स का और सबका नाम रोशन किया है। डीएवी आरडब्ल्यू स्कूल में खुशी का लहर छाई हुई है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी बच्चों ने 99 मार्क्स लिए हैं और सभी बच्चों ने 95 प्लस मार्क्स लिए हैं। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। मैं आरडब्ल्यू धर्माणा का शासकीय अध्यापक हूँ। जैसे कि कल हमारे 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ, इसमें हमारे बच्चों ने 100% परिणाम अंक प्राप्त किए। इससे सभी अध्यापकों तथा अभिभावकों में खुशी की लहर चली।